हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस ईयर पूछे जा सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा ये न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है और रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये यूं ही नहीं बता रहा हूँ, काफी रिसर्च की मैंने, क्योंकि आप लोगों को याद होगा पिछले कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से पोल पे पूछा था कि यदि आप लोगों को एनसीईआरटी के मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो काफी सारे बच्चों ने बोला था कि हाँ सर हमको प्रोवाइड करवा दीजिए। उस टाइम से अभी तक मैं कई सारे सैंपल पेपर, पुराने पेपर्स और जो अभी नए सैंपल पेपर आए हैं वो सारे पेपर्स मैंने अच्छे से देखे। उसके बाद मैंने एनसीईआरटी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते थे वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर अप किए हैं। तो यदि आप इस बार इस बोर्ड एग्जाम को देने वाले हैं तो आप लोग ये क्वेश्चन तो कर ही लेना। और मैं सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में से टिक करवाने वाला हूं। मैं चाहता तो इसकी पीडीएफ बना के आप लोगों को प्रोवाइड करवा देता, बट होता क्या है कभी कभी पेज नंबर वगैरह में कुछ क्वेश्चन समझने में कठिनाई जाती है, इस वजह से मैं सारे क्वेश्चन आपको इस बुक से टिक करवाऊंगा। यदि आप लोग कहोगे तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए, तो अब आप मैथ्स की अपनी बुक निकाल लीजिए, एक पेन या पेंसिल आप हाथ में रख लो और मेरे साथ सारे क्वेश्चनों को टिक करते चलना। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 6 निकालिए। ये आपका पेज नंबर 6 रहा, इसमें आप एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग निकालिए पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पे आपको एग्जाम्पल नंबर 7 करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग पेज नंबर 11 पर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 करने हैं। चलिए, अब आगे आप लोग निकालो पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पे आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 टिक कर लीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है इसमें रूट 5 दे रखा है, हो सकता है रूट 2 भी आ सकता है, रूट 3 भी आ सकता है। क्वेश्चन सेम ही थे इसलिए मैंने इसके पिछले कुछ एग्जांपल रूट 2 वाला और रूट 3 वाला ये टिक नहीं करवाए, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है तो आप इजिली कर लोगे, ठीक है। चलो, अब आप लोग निकालो पेज नंबर 23, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट में तो सिर्फ इतना ही करना है। आप पेज नंबर 23 और हमारा चैप्टर नंबर ये सेकेंड है, पेज नंबर 23 पे कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मैं आपको एक बेसिक बता दे रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों के टीचर ले आप लोगों को नहीं बता पाए होंगे। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो होता है, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, उसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला शेप में बनता है, ठीक है। सिर्फ इतनी चीज याद रखना, यदि आता है तो एक मार्क्स में आप इजीली कर सकते हो। अब आप लोग निकालो पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 पर आपको एग्जाम्पल नंबर 3 करना है, पेज नंबर 31 पर एग्जाम्पल नंबर 4 करना है और पेज नंबर 33 पर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग निकालिए पेज नंबर 49, क्योंकि चैप्टर नंबर सेकंड में सिर्फ इतना ही था और ये तो डिलीटेड था, तो आप डायरेक्टली आप पेज नंबर 49 निकाल लीजिए जो कि चैप्टर नंबर 3 का है। 49 आपका ये रहा। 49 पर आपको क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें काफी टाइप के क्वेश्चन है, इसमें जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाले क्वेश्चन है तो कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, अब आप लोग आगे निकालिए पेज नंबर 50 पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है, ठीक है, ये टिक कर लीजिए। उसके बाद आप लोग निकालिए पेज नंबर 53 पर एक्सरसाइज 3.3 में से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का, ठीक है, ये टिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 टिक करना है और 3 में से क्वेश्चन नंबर 3 करना है आप लोगों को। चलिए, अब आगे देखते हैं पेज नंबर 54 पे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 ये आप टिक कर लीजिएगा। अब आप लोग निकालिए पेज नंबर 57। पेज नंबर 57 पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है, ठीक है। चलिए, अब आगे देखिए पेज नंबर 63। पेज नंबर 63 पर ये पेज नंबर 63 ये रहा, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग निकालिए पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 पर एग्जांपल नंबर 19 करना है आप लोगों को। उसके बाद पेज नंबर 67 पर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड ये अच्छे से कर लेना, काफी बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों को तो आप लोग छोड़ना ही नहीं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारे चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 में आप लोग निकालिए पेज नंबर 74।
74 पर आपको ये क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है ये करना है। अब आगे चलते हैं, अब आप लोग निकालिए पेज नंबर 76। पेज नंबर 76 पर एक्सरसाइज 4.2 में आपको फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर सिक्स ये कर लेने हैं। अब आप लोग निकालिए पेज नंबर 87। चलिए 87 नंबर पेज नंबर पे चलते हैं। 87 ये रहा। 87 पर आपको एग्जाम्पल नंबर 15 करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं। 88 पेज नंबर पर आपको थर्ड का सेकंड करना है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ करना है, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर नाइन एंड क्वेश्चन नंबर टेन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप निकालिए पेज नंबर 91। पेज नंबर 91 पर आपको 4.4 का क्वेश्चन नंबर टू करना है, ठीक है। इसमें के लिए कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप दोनों ट्राई कर लेना। इसी टाइप में आप लोगों का जो चैप्टर नंबर फोर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। आप निकालिए आप लोग चैप्टर नंबर फाइव। चैप्टर नंबर फाइव में आप लोग निकालिए पेज नंबर 106, ठीक है। पेज नंबर 106 ये रहा। पेज नंबर 106 में आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15 और पेज नंबर 107 पर क्वेश्चन नंबर 17। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आप लोग निकालिए पेज नंबर 110। 110 पे एग्जांपल नंबर 13 करना है आप लोगों को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप लोग निकालिए पेज नंबर 113। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 11, 14, 15, 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 6 पर। अब चैप्टर नंबर 6 में आप लोग निकालिए पेज नंबर 124। 124 पे आपकी थ्योरम 6.1, थेल्स थ्योरम, बीपीटी है ना, आप लोग सब जानते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब आप लोग निकालिए पेज नंबर 126, इस पे थ्योरम 6.2 या उसकी कन्वर्स है थेल्स थ्योरम की। चलिए अब आगे बढ़ते। अब आप लोग निकालिए पेज नंबर 128, इस पे आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद पेज नंबर 129 पे क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आप लोगों को निकालना है पेज नंबर 136, इस पे आपको एग्जांपल नंबर 7 करना है। उसके बाद आप लोग निकालिए पेज नंबर 140, इस पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 एंड 8 करने हैं। उसके बाद आप लोग निकालिए पेज नंबर 141, इस पे आपको क्वेश्चन नंबर 13 करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग निकालिए, देखिए ये इसमें तो ये वाले तो डिलीटेड हैं इसके बाद, ठीक है। सिर्फ इस चैप्टर में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 7 है आपका। इसमें आप लोग निकालिए पेज नंबर 161। तो पेज नंबर 161 कहाँ पे, ये है। इस पे आपको एक्सरसाइज 7.1 में से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 करने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद पेज नंबर 162 पे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आप लोग निकालिए पेज नंबर 166, इस पे आपको एग्जांपल नंबर 9 करना है। चलिए फिर उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 यानी कि पेज नंबर 167 पर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी रिलेटेड है इसमें, इसके साथ ही हमारा 7 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री पे, चैप्टर नंबर 8। इसमें आप लोग निकालिए पेज नंबर 181। यह आ गया हमारा पेज नंबर 181, एक्सरसाइज 8.1। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 10 करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग निकालिए पेज नंबर 186, इसमें आप लोग एग्जांपल नंबर 8 कर लेना। उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 में से क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आप लोग निकालिए पेज नंबर 192 है ना, क्योंकि इसमें तो कंप्लीट हो गया क्योंकि बाकी तो आगे डिलीटेड है। अब आगे आएगा पेज नंबर 192, इसमें एग्जांपल नंबर 14 करना है आप लोगों को और 8.4 में से आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके बेसिकली सारे ही क्वेश्चन करने हैं, है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। यदि आप लोग छोड़ना चाहो तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को छोड़ सकते हो, है ना, बट आप लोग चाहो तो दो क्वेश्चन की क्यों छोड़ना, आप चाहो तो सारे क्वेश्चन कर ही लीजिएगा इसके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 पर। चैप्टर नंबर 9 पे आप लोग निकालिए पेज नंबर 202।
तो देखो पेज नंबर 202 पे एग्जांपल नंबर 6 एंड एग्जांपल नंबर 7 आप लोगों को करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पेज नंबर 203 पे एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 मार्क कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद पेज नंबर 204 पर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 10 एंड 12 क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 205 पे क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 कर लेने हैं, ठीक है। एक ही एक्सरसाइज थी इस चैप्टर में, तो ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन करने हैं उसमें। अब हम निकालिए चैप्टर नंबर 10। अब चैप्टर नंबर 10 पर आप लोग निकालिए सबसे पहले पेज नंबर 208, इसमें आपको थ्योरम 10.1 करनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग निकालिए पेज नंबर 212, इस पर आपको एग्जांपल नंबर 3 करना है। उसके बाद 10.2 में से पेज नंबर 214 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 9, 10 सॉरी 10 नहीं करना है, 11 एंड 12 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से कर लेने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर। अब कंस्ट्रक्शन तो आपका डिलीटेड है, तो इसमें से तो आपको कुछ नहीं करना, चैप्टर नंबर 12 निकालिए सीधा, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 12 में आप लोग निकालिए पेज नंबर 225, इसमें आप लोगों को एग्जांपल नंबर 1 करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 12.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर लेने हैं। पेज नंबर 226 पर क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आप लोग निकालिए पेज नंबर 228, इस पर आप लोगों को एग्जांपल नंबर 2 करना है। नेक्स्ट 230 पेज नंबर एक्सरसाइज 12.2, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 7 एंड 8 कर लेने हैं। उसके बाद पेज नंबर 231 पर क्वेश्चन नंबर 10, 11 कर लेने हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। देखिए अब इसके बाद ये वाली जो एक्सरसाइज है 12.3, इस बार नहीं पूछी जा रही है आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 13 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 241, इसमें आपको एग्जांपल नंबर 1 करना है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, इसमें पेज नंबर 244 पर एग्जांपल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.1 का एंड क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 6 कर लेने। पेज नंबर 245 पर क्वेश्चन नंबर 7 करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन पेज नंबर 246 पर एग्जांपल नंबर 6 टिक कर लीजिएगा एंड पेज नंबर 247 पर एग्जांपल नंबर 7 एंड एक्सरसाइज 13.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। उसके बाद पेज नंबर 248 पर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 कर लेने आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद ये जो आगे वाली एक्सरसाइज है ये तो इस बार पूछी नहीं जाएंगी, दोनों एक्सरसाइज आपकी 13.3 एंड 13.4, ठीक है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे चैप्टर नंबर 14 पर। इस चैप्टर में सबसे पहले आप लोग निकालिए पेज नंबर 267। चलिए 267 ये रहा, इसमें आपको एग्जांपल नंबर 2 करना है। उसके बाद पेज नंबर 270 निकाल लीजिए आप लोग, इसमें एक्सरसाइज 14.1 में से क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करना है और पेज नंबर 271 में से क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 कर लेने, ठीक है। इस एक्सरसाइज में से इतना ही करना है। देन पेज नंबर 273 में एग्जांपल नंबर 5 करना है। अब आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 276, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। मोड वाला क्वेश्चन है, मेनली अलग से पूछा नहीं जाता इतना, बट एक क्वेश्चन आप लोग इसमें से कर लेना। उसके बाद आप लोग निकालिए पेज नंबर 283, इसमें देख लेते हैं पेज नंबर 283 पर एग्जांपल नंबर 7, ठीक है, ये टिक कर लेना आप लोग। उसके बाद पेज नंबर 284 पर एग्जांपल नंबर 8 करना है आप लोगों को। देन इसमें देखिए पेज नंबर 286 पर एक फॉर्मूला है, क्योंकि अभी तक ये यूज नहीं हुआ है, यदि आप लोग पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लोगों ने किया होगा, बट ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये अलग से पूछा जाता है, ठीक है। एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, मीडियन मोड और मीन के बीच में ये रिलेशनशिप होती है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं पेज नंबर 287 पर एक्सरसाइज 14.3, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर टिक कर लेना आप लोग एंड क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद पेज नंबर 288 पर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक सिर्फ एक्सरसाइज 14.3 तक ही पढ़ना था, बाकी आगे तो डिलीटेड है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे इस बुक के लास्ट चैप्टर पर जो कि है आपका 15 चैप्टर। इसमें आप लोग सबसे पहले निकाल लीजिए पेज नंबर 298, इस पर आपको एग्जांपल नंबर 1 करना। पेज नंबर 299 पर एग्जांपल नंबर 3 कर लेना है। उसके बाद पेज नंबर 301 पर एग्जांपल नंबर 4 एंड पेज नंबर 306 पर एग्जांपल नंबर 13। उसके बाद एक्सरसाइज 15.1 यानी कि पेज नंबर 308 पर आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 कर लेने हैं। उसके बाद पेज नंबर 309 पर
क्वेश्चन नंबर 10, 12, 13, 14, 16, 17 एंड 18 करने हैं आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 310 पर आपको क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 24 कर लेने हैं, ठीक है। इसी के साथ ही आपके पूरी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। हो सकता है थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने बता दिया, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लेना, बट जितने क्वेश्चन मैंने आप लोगों को टिक करवा है, इतने क्वेश्चन तो आप लोग बोर्ड एग्जाम देने से पहले ये क्वेश्चन तो करके ही जाना। चलिए, तो इस वीडियो के थ्रू यदि आप लोगों की थोड़ी भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कि जिससे ये वीडियो और भी बच्चों तक पहुंचे, जिससे उन बच्चों की भी इस वीडियो के थ्रू हेल्प हो सके। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।